हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है, आप सभी के स्कूल खुल चुके हैं। ठीक है, आपकी आज कितनी तारीख आप बोलो सर? 1 जुलाई। ठीक है, 1 जुलाई से आप सभी के स्कूल ओपन हो चुके हैं। ठीक है, बहुत से बच्चे तो ऐसे होंगे जो अभी अपने मामा फूफी बुआ इन सभी के यहाँ पर ही घूम रहे होंगे। पढ़ाई से उनका कोई लेना देना है ही नहीं, बस अपनी मौज में है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, आपको पढ़ाई पे फोकस रखना है और अपनी मौज मस्ती भी बरकरार रखनी है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 में, चैप्टर आपको चैप्टर नंबर आपका 6, चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज चलेगा आपके 6.1। चैप्टर का नाम है आपका इंटीजर। क्या है आप बोलो सर? इंटीजर, स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि इंटीजर आपके क्या होते हैं, जब मैंने नंबर्स के बारे में आपको बेसिकली बताया था कि नंबर्स क्या होते हैं आपके। ठीक है, तो एक बार फिर जान लेंगे इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर हिंदी में इनको पढ़ते हैं पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक का मतलब होता है अगर संधि विच्छेद करके आप अगर आप पढ़ोगे इसको, दो अलग अलग पार्ट में ब्रेक करके पढ़ोगे, तो पूर्णांक का मतलब क्या होता है? पूरा अंक। क्या होता है? पूरा अंक। क्या होता है? पूरा अंक। अगर आपको ये पता है तो आप बेसिकली इसका मतलब देखते ही समझ जाओगे। इंटीजर का मतलब होता है पूरा अंक, या वो पॉजिटिव हो या फिर वो नेगेटिव हो, इसका मतलब हम इसको क्या बोलते हैं, इसलिए हम इसको पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप बोलो सर? पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, ये आपके बेसिकली कितने टाइप के होता है आप बोलो सर? ये हमारे 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं। आप बोलो सर, ये आपके पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव आपका आप बोलो सर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे डॉट डॉट, ये आपके प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं। ये कहाँ तक जाते हैं आपके? आप बोलो सर ये हमारे प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं। आए समझ में? आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन। नेगेटिव इंटीजर कौन से होता है आप बोलो सर? जैसे कि -1 आपका, -2, -3, -4, -5 ऐसे डॉट डॉट, ये आपके कहाँ तक जाते हैं? माइनस इन्फिनिटी तक जाते हैं। कहाँ तक जाते हैं आप बोलो सर? माइनस इन्फिनिटी तक जाते हैं, जिनकी कोई सीमा नहीं है। इन्फिनिटी का मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, आप नंबर्स को वहाँ तक लेके जा सकते हैं। ठीक है, आप बोलो सर नहीं, 100 के बाद, 100 के बाद 101 आता है, 200 आता है, 400, 500, 1000। ठीक है, लाख, करोड़, अरब, खरब, जन, कितनी आपके नंबर्स की कोई लिमिट नहीं होती है। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं आप बोलो सर? इंटीजर्स होते हैं। और इस चैप्टर में आपको क्या सिखाया जाए? इंटीजर्स को ही प्लस माइनस करना सिखाया जाएगा, मल्टीप्लाई करनी सिखाई जाएगी, डिवाइड करना सिखाया जाएगा। आप बोलोगे जी सर। ठीक है, बेसिकली एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, ये चीज मैंने आपको बताई हुई होगी। प्लस प्लस क्या होता है आप बोलो सर? प्लस प्लस आपका प्लस होता है। माइनस माइनस क्या होता है आप बोलो सर? माइनस होता है, प्लस होता है। क्या होता है? प्लस होता है, कभी माइनस कर दो। बहुत से बच्चे होंगे कि सर दोनों माइनस है तो माइनस कर दीजिए, ऐसा नहीं करना। अगर दोनों साइन एक जैसे हैं तो ऑलवेज आपका प्लस होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्यों ऐड करने हैं आपको? दोनों साइन अगर अलग अलग है तो क्या हो जाएगा आप बोलो सर? नेगेटिव। देखो यहाँ दोनों साइन आपके क्या दिख रहे हैं आप बोलो सर? नीचे दोनों साइन अलग अलग है तो आपका नेगेटिव माइनस हो रहा है, ऊपर दोनों साइन एक जैसे हैं तो आपका प्लस पॉजिटिव हो रहा है। क्या हो रहा है आप बोलो सर? प्लस हो रहा है आपका। ऐसा में आप बोलोगे जी सर। ठीक है, इनके ऊपर जैसे मैं आपको एग्जाम्पल तौर पे बता देता हूँ, जैसे कि ये 10 प्लस 20 माइनस 10 माइनस 20 माइनस 10 प्लस 20 10 माइनस 20, ऐसा में आप बोलोगे जी सर। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत अच्छे से। यहां तक सभी को क्लियर? आप बोलोगे जी सर क्लियर है। अब देखिए क्या है, देखो जिसके आगे कोई साइन नहीं होता उसके आगे कौन सा साइन होता है? आप सभी को पता होगा अच्छे से। आप बोलो सर पॉजिटिव होता है, प्लस होता है, क्या कुछ नहीं प्लस होगा। और देखो ये दोनों प्लस प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होता है वो ये बेसिकली चीज मैंने आपको यहाँ बताई थी। प्लस प्लस क्या होता है आप बोलो सर? प्लस प्लस आपका प्लस होता है, तो इसका मतलब इन दोनों को प्लस करना है। 20 और 10 कितना हो जाएगा आप बोलो सर? 30। ठीक है, एक चीज और आपकी में वो करती है, एग्जिस्ट करते क्या सर? ये दोनों पॉजिटिव नंबर है तो आंसर किस में आएगा आप बोलो सर? दोनों पॉजिटिव में ही आएगा। आंसर किस में आएगा आप बोलो सर? पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव आप लिखोगे नहीं आगे, क्यों? क्योंकि
क्योंकि आपको पता है जिसके आगे कोई साइन नहीं होता उसके आगे पॉजिटिव होता है, क्या होता है, पॉजिटिव प्लस का साइन होता है। आप बोलोगे जी सर आपको पता है ना, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे प्लस होता है, वही सिंपल सा फंड आपका यहाँ लगेगा। अगर इसके आगे आप प्लस नहीं लगाओगे तो भी आपका प्लस का ही रहेगा, आए समझ में। आप बोलोगे जी सर, ये आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा, आप बोलो सर माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब इन दोनों को प्लस करना है, 10 और 20 कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 30 हो गए, 30 आप बोलोगे जी सर। लेकिन यहाँ पे दोनों साइन आपके माइनस के हैं, आप बोलो सर दोनों साइन माइनस के हैं तो प्लस होगा, तो हमने प्लस कर दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये दोनों साइन माइनस के हैं तो ज्यादा ज्यादा तादाद किसकी, आप बोलो सर माइनस की, ज्यादा वोटिंग किसकी है, माइनस की, तो माइनस का आएगा। वहां ज्यादा वोटिंग प्लस की थी, प्लस का आया, ठीक है। अब बेसिकली माइनस का मतलब होता है आपका डेप्ट से, डेप्ट क्या होता है, कर्जा, ठीक है। आप गांव देहात से अगर हो तो कर्जे का नाम आपने सुना होगा, कर्जा जो होता है कि भाई आपके ऊपर इतना कर्जा है जिसको डेप्ट बोलते हैं, ऐसा आप बोलोगे जी सर। माइनस का मतलब तब हो जाता है जैसे आपने किसी 100 रुपये कर्जा ले लिया तो आप 100 माइनस में चले गए, कहाँ चले गए, 100 माइनस में। जीरो पे आने के लिए पहले क्या करना होगा, पहले आप आपको उसके 100 रुपये वापस करने होंगे, उसके बाद आप जीरो पे आओगे, ठीक है। अगर आपने 100 ही कमाए हैं तो पहले आप उसके वापस करोगे, जीरो पे आओगे, क्यों, क्योंकि वो माइनस की वैल्यू थी, कर्जा था वो आपने खत्म किया है। फिर उसके बाद और जो कमाओगे वो आपकी प्लस की वैल्यू होगी, पॉजिटिव की वैल्यू होगी। जैसे कि आप बोलो सर हमने 10 रुपया कर्जा ले लिया कहीं से, कर्जे का ये माइनस का साइन ही बताता है कि आपका डेप्ट है, कर्जा है आप पे, आप बोलोगे जी सर, ठीक है। अब 10 रुपये कर्जा ले लिया आपने कहीं से, अब आपका फिर भी घर में और दिक्कत चल रही है, आपने बोला कि 20 रुपये का और ले लेता हूँ, 30 रुपये 50 रुपये का और ले लेता हूँ कर्जा, किसी ने 50 रुपये का कर्जा और ले लिया 50 रुपीज का। अब मुझे ये बता दो उसमें टोटल कर्जा कितने का हो जाएगा, आप सभी बोलोगे सर 60 का कर्जा हो जाएगा, तो 60 आपका यहाँ आ जाएगा, आप बोलोगे जी सर। लेकिन अगर आप इसको पॉजिटिव करोगे तो कर्जे में नहीं बताएगा आपको, मैंने क्या बताया, माइनस का जो साइन होता है वही आपका कर्जे का साइन होता है, डेप्ट का साइन होता है, तो इसका मतलब यहाँ माइनस लगेगा। यहीं से आपका ये निकल के आया है कि माइनस माइनस होता तो प्लस है लेकिन आंसर आपका माइनस में आता है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन आंसर आपका नेगेटिव आता है ऑलवेज। क्यों, आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपकी ज़्यादा वोटिंग नेगेटिव के तो आंसर नेगेटिव में, या आप डेप्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हो, कर्जे के अकॉर्डिंग, कि आपने 10 का कर्जा तब लिया, 50 का फिर ले लिया, तो 60 का डेप्ट हो गया आपके पास, 60 का कर्जा हो गया, आप बोलोगे जी सर। लेकिन उसको माइनस तो लगाना पड़ेगा तभी तो कर्जा बताएगा, वरना तो वो ये बता रहा है आपके पास 60 रुपये हैं, वो आपके ही हो सकता है, आपने किसी से लिए कर्जे के हैं, वो ये साइन बता रहा है आपको माइनस का, आए समझ में, आप बोलोगे जी सर। अगर आपको ये समझ में आ गया है, ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने इन पे। देखो माइनस प्लस क्या होता है, आप बोलो सर माइनस होता है, ऑलवेज बड़े में से ही छोटा माइनस किया जाता है, ऑलवेज बड़े में से ही छोटा माइनस किया जाता है। 20 में से 10 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 10। 20 जो है वो कैसा है, आप बोलो सर पॉजिटिव है। अब ये बताओ ज्यादा जो वोटिंग किसकी है, आप बोलो सर ज्यादा वोटिंग आपकी किसकी है, पॉजिटिव की है, क्योंकि बड़ा तो ये है, जो बड़ा होता है उसी की चलती है आपके घर में भी, आपकी चलती नहीं होगी, आप में किसी ने दो मार दिया, पापन दो मार दे, रोने लग गए, बस आपकी थोड़ी चलती है, बड़ों की चलती है घर में। तो बड़ा ये कह रहा है कि मैं पॉजिटिव हूँ, तो आंसर पॉजिटिव में आना चाहिए, प्लस का होना चाहिए, आप बोलोगे जी सर। प्लस आप लगाओ या मत लगाओ बात आपकी सेम है, ऐसा में आप बोलोगे जी सर। प्लस माइनस क्या होता है, आप बोलो सर माइनस है, बड़े में छोटा माइनस करना है। 20 में से 10 माइनस करेंगे कितना बचेगा आपका, 10 कितना बचेगा, आप बोलो सर 10 बचेगा आपका। बड़ा नंबर माइनस का है तो आंसर किस में आ जाएगा, आप बोलो सर माइनस में, किस में आ जाएगा, आप बोलो सर माइनस में, क्योंकि बड़ा माइनस का है, बड़े की चलेगी, छोटे की थोड़ी चल जाएगी, ठीक है, छोटों की चलती नहीं कहीं भी, ठीक है। वो आप औहदे में छोटे हो, पोस्ट में छोटे हो, या फिर एज में छोटे हो, ठीक है, घर में छोटे हो, आप बोलोगे जी सर। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक्सरसाइज की तरफ। अगर ये बेसिक चीज आप समझ गए हैं तो आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आएगी। क्या है, राइट अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग, आपको इनके अपोजिट लिखना है, क्या लिखना है, आप बोलो सर इनके अपोजिट लिखना है। इंक्रीज इन हाइट, इंक्रीज का मतलब क्या होता है, देखो इंक्रीज का मतलब क्या होता है,
इंक्रीज का मतलब होता है पॉजिटिव, बढ़ना, और एक होता है डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे सर नेगेटिव, घटना। ठीक है, तो आपको इसका अपोजिट लिखना, या हाइट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो आप हाइट को क्या कर दो, डिक्रीज कर देंगे। क्या कर देंगे, आप बोलोगे सर डिक्रीज, डिक्रीज इन हाइट। क्या लिख देंगे, आप बोलोगे सर डिक्रीज इन हाइट। जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर डिक्रीज इन हाइट। ऐसे समझ में आप बोलोगे जी सर, यहाँ तक सभी को क्लियर, आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन। आगे क्या है, 30 किलोमीटर नॉर्थ। तो देखो आपकी फोर साइड होती हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट होती हैं, आप बोलोगे जी सर होती हैं। और इसने बोला कि नॉर्थ, आपको अपोजिट बोला, तो इसके अपोजिट क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर साउथ आ जाएगा। क्या जाएगा, साउथ आ जाएगा। तो 30 किलोमीटर साउथ लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 30 किलोमीटर साउथ। ऐसा ना, आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत अच्छे से। आगे क्या, आप बोलो सर 80 मीटर ईस्ट। अभी मैंने डायग्राम बनाया था, ईस्ट के अपोजिट क्या होता है, आप बोलो सर वेस्ट। क्या हो जाएगा, आप बोलो सर 80 मीटर, 80 मीटर आपका क्या हो जाएगा, आप बोलो सर वेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर बेस्ट हो जाएगा। ऐसा में आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। लॉस ऑफ 700, 700 का क्या हो गया, लॉस। क्या चीज होती है, तो लॉस होता है प्रॉफिट होता है। लॉस का मतलब होता है चीज माइनस में हो जाना, लॉस का मतलब क्या होता है, माइनस में। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे सर प्लस में। लॉस का मतलब माइनस में होता है, प्रॉफिट का मतलब प्लस में होता है। आगे सर में आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम, आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। तो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर आंसर हो जाएगा प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑफ आरएस 700। प्रॉफिट क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर प्रॉफिट हो जाएगा आपका 700 रुपये का, 700 का। आगे बढ़ते हैं, देखो एक होता है अबो, एक होता है बिलो। अबो का मतलब क्या होता है, अबो का मतलब होता है ऊपर, बिलो का मतलब क्या होता है नीचे। बिलो का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे सर बिलो का मतलब होता है नीचे। ऐसे में आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत अच्छे से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, आप बोलो सर अब वो है तो बिलो कर देंगे हम, 1000 मीटर, 100 मीटर, 100 मीटर बिलो सी लेवल, 100 मीटर बिलो सी लेवल। ऐसा में आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है आपका रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज द इंटीजर्स विद एप्रोप्रिएट साइन। आपको उनको क्या बताना है, ये जो इंटीजर है आपके, ये जो वैल्यू है आपकी, ये आपको एक साइन देना है, या तो पॉजिटिव देना है नेगेटिव देना है। ठीक है, अगर चीज़ आपकी घट रही है, कम हो रही है, तो आप नेगेटिव का साइन दोगे। अगर चीज़ आपकी बढ़ रही है, प्लस हो रही है, तो प्लस का साइन दोगे। आप बोलोगे जी सर एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट 2000 मीटर अबव द ग्राउंड। अबव का मतलब क्या होता है, मैंने बताया आपको ऊपर, और ऊपर चीज जाती है तो आपकी प्लस ही होगी। क्या होगी, आप बोलो सर प्लस होगी। तो इसमें कौन सा साइन देना आपको, आप बोलो सर प्लस का साइन देना। कौन सा साइन देना, आप बोलो सर प्लस का साइन देना है। ठीक, आ क्या, ए सबमरीन इज मूविंग एट डेप्थ 800 मीटर बिलो। बिलो क्या आ गया, सी लेवल। बिलो का मतलब होता है नीचे, नीचे का मतलब आ गया, तो क्या आ जाएगा, आप बोलो सर माइनस। क्या आ जाएगा, माइनस। आके आपका ए डिपॉजिट ऑफ रुपीज 200, 200 का आपको क्या करना है, डिपॉजिट करना है। देखो एक होता है डिपॉजिट, एक होता है विड्रॉ। डिपॉजिट क्या होता है, और एक होता है विड्रॉ। डिपॉजिट का मतलब होता है पैसे डालना,
का मतलब क्या होता है, निकालना। जब पैसे डालोगे अकाउंट में तभी तो प्लस होंगे, निकालोगे तो माइनस होंगे। डिपॉजिट का मतलब है कि आपको कौन सा साइन लेना, आप बोलो सर प्लस का साइन लेना। कौन सा साइन लेना, आप बोलो सर प्लस का साइन लेना। आगे विड्रॉ ऑफ रुपीज 700, आपको विड्रॉ करना है तो आपको साइन कौन सा होगा, आप बोलो सर माइनस का करना है। कौन सा होगा, आप बोलो सर माइनस का करना है। आए समझ में, आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत अच्छे से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपका क्या है, ठीक है, ये आपका रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन। ये आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने है। अब आपकी बेसिकली नंबर लाइन होती क्या है, नंबर लाइन में आपकी बना देता हूँ। ये आपकी होगी नंबर लाइन, ठीक है। आपकी क्या नंबर लाइन क्या होती है, आप बोलो सर जीरो होती है। बीच में राइट साइड में वैल्यू कैसे होती है, पॉजिटिव। लेफ्ट साइड में वैल्यू कैसे होती है, आप बोलो सर नेगेटिव। इधर आपका क्या आएगा, पॉजिटिव 1, पॉजिटिव 2, पॉजिटिव 3, पॉजिटिव 4, पॉजिटिव 5, और ज़्यादा जरूरत है तो आप बड़ा बड़ी कर लेंगे लाइन को, -2, -3, -4 और -5। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, आप बोलोगे जी सर हमें यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा में आप बोलोगे जी सर आ गए हमको समझ में। अब आपको प्लस फाइव को रिप्रेजेंट करना है, तो प्लस फाइव कहाँ है, आप बोलोगे सर ये रहा प्लस फाइव आपका, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर प्लस फाइव ऐसे रिप्रेजेंट करना आपको, ठीक। अब आप बोलोगे सर माइनस की वैल्यू तो हमने फ्री में ऐसे ही लिखी, हमें तो उनको जरूरत नहीं, आप बोलोगे जी सर प्लस की वैल्यू तो जीरो से प्लस वाली साइड की वैल्यू लिखो बस, माइनस की वैल्यू तो जीरो से माइनस वाली साइड की वैल्यू लिखो, लेफ्ट साइड की वैल्यू लिखो। आगे क्या लिखा हुआ है, -10, तो आपको इसकी जरूरत नहीं है जीरो से इधर वाले की। तो आप क्या करेंगे, आप बोलोगे सर हम तो इसको ही आगे बढ़ा लेंगे जितने की हमें जरूरत होगी, -5, -6, -7, -8, -9 और -10। आप बोलोगे सर तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी -10, ये रिप्रेजेंट हो जाएगी आपकी। ऐसा इसमें आपको अलग अलग डायग्राम बनाने, सभी में मैं एक में ही आपको बना के दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे समझाना है। प्लस एट करना है, आप बोलो सर इधर की वैल्यू को इसको बढ़ा देंगे इधर, 6, 7, 8, तो प्लस एट आपका कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर यहाँ हो जाएगा आपका प्लस एट। कोई प्रॉब्लम, आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या बोला है, -1, अब बोलो सर -1 तो आपका ये रहा। अब क्या बोला है, आप बोलो सर माइनस का 6 बोला है आगे। अरे सर आप बोलोगे जी सर तो आपने पांचों नंबर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिए हैं। ऐसा में आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपका क्या है, एडजेसेंट फिगर इन वर्टिकल नंबर लाइन, वर्टिकल नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स, ऑब्जर्व इट एंड लोकेट द फॉलोइंग देम। एडजेसेंट फिगर है जो वर्टिकल नंबर लाइन है, रिप्रेजेंट इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है, आपको वो ऑब्जर्व करना है, लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट। इन पॉइंट क्या करना है, लोकेट करना है। इफ पॉइंट डी इज प्लस 8, then which point is -8, is point g is a integer, negative integer, positive integer। इसमें कोई डायग्राम है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में, तो कोई एक सेकंड मैं डायग्राम देख लेता हूँ, डायग्राम है नहीं है, क्या है क्या नहीं है। आपका इसमें डायग्राम है, डायग्राम जो कि आपका बन नहीं पाया, ठीक है। आप बोलोगे जी सर यह आपका क्या है, यह आपकी जीरो है,
1 2 3 4 5 6 7 8 ये आपका प्लस 8 है, यह पॉइंट आपका डी है। आप बोलोगे जी सर आपका पॉइंट सी है, यह पॉइंट बी है, ठीक है ओके, जस्ट एक छोड़ के यहाँ पॉइंट ए है आपका। नीचे भी आपके कितना है ना, 1 2 3 4 5 6 7 आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये लाइन है। आप बोलो जी सर एक लाइन छोड़ के यहाँ पे आपका एच है, इस पॉइंट पर आपका एच है। अब क्या आपका तीन लाइन और छोड़ के जी है, 1 2 3 ये आपका क्या हो जाएगा, आप बोलो सर जी हो जाएगा। एक लाइन छोड़ के आपका एफ है, ये आपका एफ हो जाएगा। एक लाइन और छोड़ के आपका क्या है, आप बोलो सर ई है, आपका ई हो जाएगा, ठीक है। अब बोलो जी से डायग्राम मिस हो गया था, ठीक है, जैसे हमारा टाइप स्ट्रीम मिस हो गया तो मुझे लगा कि इसमें शायद आपका डायग्राम होगा, ठीक है, मैंने चेक किया तो इसमें डायग्राम था आपका, ऐसा में आप बोलोगे जी सर। अब क्या बोला गया है, देखो वर्टिकल नंबर लाइन गिवन है आपको, इफ पॉइंट डी इज प्लस 8 तो देन विच पॉइंट इज माइनस 8, अगर ये प्लस 8 पॉइंट है तो माइनस 8, देखो जीरो ये रहा, देखो ऊपर की तरफ प्लस की वैल्यू तो नीचे की तरफ कैसी वैल्यू होंगे, आप बोलो सर माइनस की, तो बढ़ते माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 7 माइनस 8, तो माइनस 8 कहाँ जाएगा, आप बोलोगे सर माइनस 8 आपका आ जाएगा एफ पर, तो कौन सा पॉइंट हो जाएगा, आप बोलो सर एफ पॉइंट आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, आप बोलो सर एफ पॉइंट आपका हो जाएगा जो माइनस 8 को रिप्रेजेंट करेगा। क्या है, इज पॉइंट जी इज ए नेगेटिव इंटीजर, जी पॉइंट जी जो है वो नेगेटिव इंटीजर है, हाँ जी ठीक है, अच्छे ये बताना है कि जो पॉइंट जी है वो नेगेटिव इंटीजर है या पॉजिटिव इंटीजर। देखो नीचे की तरफ जो वैल्यू वो नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या होगा, आप बोलो सर नेगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आप बोलो सर नेगेटिव इंटीजर, क्या हो जाएगा, आप बोलो सर नेगेटिव इंटीजर, ऐसा में आप बोलोगे जी सर। आगे क्या है, राइट इंटीजर्स फॉर पॉइंट बी एंड ई, बी और ई पे, बी और ई, बी पॉइंट आपका ये रहा, देखो प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, तो बी के लिए क्या आ जाएगा, प्लस का 4, ई के लिए कौन सा आ जाएगा, माइनस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ई के लिए कौन सा आ जाएगा, बोलो सर माइनस का 10, ठीक है। नीचे की तरफ वैल्यू आपकी माइनस की चल रही है, ऊपर की तरफ वैल्यू आपकी प्लस की चल रही है, यहाँ तक मुझे लगता है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, विच पॉइंट मार्क्स ऑन दिस नंबर लाइन हैज द लीस्ट वैल्यू, कौन सा ऐसा पॉइंट है नंबर लाइन पर जिसकी कम से कम वैल्यू है, ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसकी वैल्यू सबसे कम है, मुझे बताओ। नीचे की तरफ चलते हैं, ठीक है, ये वर्टिकल लाइन है तो नीचे की तरफ चलेंगे तो वैल्यू घटेगी, तो ये देख लो सबसे नीचे कौन सा पॉइंट है, जो सबसे नीचे पॉइंट होगा उसकी वैल्यू सबसे कम होगी। आप बोलो सर ये तो ई है पॉइंट आपका, कौन सा ई, ई की वैल्यू कितनी, आप बोलो सर माइनस 10 है, माइनस 10 ही सबसे कम वैल्यू होगी इसमें, सबसे बड़ी वैल्यू कौन से पूछे, तो जो टॉप पे वैल्यू होगी प्लस का 8, कौन सा हो जाएगा, आप बोलो सर प्लस का 8 हो जाएगा आपका, ऐसा में आप बोलो जी सर। क्या, अरेंज ऑल द पॉइंट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू, डिक्रीज मतलब घटते हुए क्रम में आपको पॉइंट अरेंज करने है, तो ऊपर से नीचे को लिख दीजिए इन्हें, डिक्रीजिंग का मतलब होता है पहले बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, आप बोलो जी सर, तो लिख दीजिए, आप बोलो सर डी, डी के बाद सी, सी के बाद बी, बी के बाद ए, ए के बाद एच, एच के बाद जी, एफ और ई, ये हो जाएंगे, आप बोलोगे जी सर। आगे समझ में, आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन बहुत शानदार बहुत अच्छे से समझ में हमको ये आ गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आपको क्या बोला गया है, बोलोगे फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ फाइव प्लेसेस इन इंडिया, इंडिया में पांच जगहों के टेम्परेचर गिवन है ऑन द पार्टिकुलर डेज ऑफ द ईयर, ईयर के अलग अलग डेज के हैं, प्लेस टेम्परेचर इन सियाचिन 10 सेंटीमीटर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, प्लेस टेम्परेचर, टेम्परेचर को आपको प्लेस करना है कहाँ पर, सियाचिन, सियाचिन का कितना है 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, सियाचिन
बोला भाई, सियाचिन ये तो 1 2 3 4, ये तो 4 ही है आपके। अच्छा हाँ, सियाचिन का भी आपको गिवन है। सियाचिन का वो है, इन चारों के ये है। आगे सर मैं आप बोलोगे जी सर, सबके टेम्परेचर आपको गिवन है। क्या बोला है, राइट द टेम्परेचर ऑफ दीज प्लेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर इन द ब्लैंक कॉलम। ब्लैंक कॉलम में आपको क्या लिखना है, इनके इंटीजर्स की वैल्यू लिखनी है कि टेम्परेचर कितना होगा। देखो सियाचिन 10 डिग्री बिलो है 0 डिग्री से। अगर वो 0 डिग्री से बिलो का मतलब क्या होता है, बोलो सर कम होता है। तो 0 से भी 10 डिग्री वो कम है। अगर 0 से आप कम करोगे तो वो वैल्यू किस में जाएगी आपकी, आप बोलो सर नेगेटिव जाएगी, माइनस में जाएगी आपकी। किस में जाएगी आप बोलो सर, माइनस में नेगेटिव वैल्यू जाएगी आपकी। तो कितना हो जाएगा, आप बोलो सर माइनस का 10। इंटीजर में आपको लिखना है, किसमें लिखना है, आप बोलो सर इंटीजर में आपको लिखना है। ऐसा में आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत अच्छे से। ठीक है, आगे क्या आपका, शिमला 2 डिग्री बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। बिलो का मतलब क्या होता है, कम। क्या होता है, कम होता है। तो 0 डिग्री से 2 डिग्री आपको कम करना है, तो माइनस का 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, आप बोलो सर माइनस का 2। अगर डिग्री सेल्सियस में लिखना है आपको तो डिग्री सेल्सियस और लगा दीजिए, कंफ्यूजन ही नहीं कुछ। अहमदाबाद 30 डिग्री सेल्सियस अबव 0, 0 से अबव मतलब ऊपर है, टेम्परेचर क्या है वो ज़्यादा है। तो कितना हो जाएगा, आप बोलो सर प्लस का 30 डिग्री सेल्सियस। प्लस लगाना चाहो आप प्लस लगा सकते हो, वैसे प्लस की कोई नीड नहीं है, आपको पता है जिसकी आगे कुछ नहीं होता उसके आगे प्लस होता है। आगे क्या आपका, आप बोलो सर दिल्ली, आपका दिल्ली 20 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री सेल्सियस। जो दिल्ली का जो टेम्परेचर है वो क्या है, वो 20 डिग्री अबव है, मतलब कि ऊपर है 0 डिग्री से, तो पॉजिटिव में होगा, आप बोलो सर प्लस का 20 डिग्री सेल्सियस। ऐसा में आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत अच्छे से। आ क्या, श्रीनगर, श्रीनगर का बिलो है, कम है 0 डिग्री से, तो माइनस में आ जाएगा। बिलो का मतलब वैल्यू माइनस में जानी है, अबव का मतलब वैल्यू आपकी प्लस में जानी है। आगे यहाँ तक समझ में, आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन। पहला फर्स्ट वाला काम हमने कर दिया, आप बोलोगे जी सर। सेकंड पे बढ़ते हैं, फॉलोइंग इज द नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, प्लॉट द नेम ऑफ द सिटी अगेंस्ट इट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर आपको गिवन है तो आपको सिटी का नाम बताना है। माइनस 10 डिग्री पे कौन सा है, आप बोलो सर सियाचिन है। शॉर्टकट में लिख देता हूँ मैं, पर ऐसे तीन आ रहे हैं आपके, ऐसा ही लिख देते हैं। क्या देगा आप बोलो सर, ऐसा ही, ऐसा ही का मतलब होगा सियाचिन। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा ये है नहीं कि मैं पूरा नाम लिख दूँ इस पे। आके आपका, आप बोलो सर माइनस का 2 डिग्री, माइनस का 2 डिग्री कहाँ आएगा, आप बोलो सर 0 माइनस का 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5, तभी तो माइनस 5 लिखा हुआ है, तो माइनस 2 कहाँ आएगा, माइनस 1 माइनस 2, आप बोलो सर यहाँ आ जाएगा आपका। कौन सा है, आप बोलो सर शिमला, एस एच लिख देंगे शिमला। ठीक है, क्या लिख देंगे, आप बोलो सर शिमला, एक हमारे पड़ोस में शिमला है। ठीक है, ऐसी रहती है बिल्कुल ठंडी, बुखार में शिमला की तरह ही। आगे क्या आपका, अहमदाबाद, अहमदाबाद में क्या प्लस का 30 डिग्री, 0 से राइट साइड में चलेंगे प्लस की वैल्यू आएगी, तो 30 आपका ये रहा, आप बोलोगे जी सर, तो क्या जाएगा अहमदाबाद, ए एच लिख देते हैं, ए एच अहमदाबाद। ऐसा में आप बोलोगे जी सर दिल्ली, दिल्ली कितना प्लस का 20, आप बोलो सर यहाँ तो आपकी दिल्ली आ जाएगी। दिल्ली किसकी होती है, आप बोलो सर दिल्ली दिल वालों की होती है। दिल्ली किसकी होती है, आप बोलो सर दिल्ली दिल वालों की होती है। ऐसा में आप बोलोगे जी सर। और क्या, श्रीनगर माइनस का 5, तो यहाँ क्या आ जाएगा, आप बोलो सर यहाँ आपका आ जाएगा श्रीनगर, एस आर। एस वाले तो तीनों इस तरफ ही आए हैं, दिल्ली और अहमदाबाद आपका राइट साइड में आए, क्योंकि वो आपके प्लस में है। ठीक है, वो आपके अबव में है और ये आपके बिलो में है। ऐसा में आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत अच्छे से। और क्या थर्ड वाला आपका, विच इज द कूलेस्ट प्लेस, कूलेस्ट प्लेस का मतलब क्या होता है, जो सबसे ठंडा होता है, जहाँ टेम्परेचर सबसे लो होगा वो आपका सबसे ठंडा होगा। सबसे लो टेम्परेचर कहाँ है, अब बोलो सर सियाचिन में है, तो कूलेस्ट प्लेस कौन सा हो जाएगा, आप बोलो सर सियाचिन। अब तो आप इसी में देख सकते हैं, जो बनाए जो राइट साइड में होंगे वो ज़्यादा गर्म होंगे, लेफ्ट साइड में होंगे वो ज़्यादा ठंडे होंगे, क्योंकि टेम्परेचर लेफ्ट साइड में आपका कम है। राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग, नेम द प्लेस विच वेयर टेम्परेचर आर अबाउट 10 डिग्री सेल्सियस। आपको उनके प्लेसेस के नाम लिखने हैं जहाँ 10 डिग्री से ज़्यादा सेल्सियस है। बोलो सर दो, ये दिल्ली और अहमदाबाद कौन से हैं, देखो
इसमें कुछ नहीं लगाया तो इसमें प्लस ही होगा ये, तो कौन सा आ जाएगा बोलो सर, दिल्ली अहमदाबाद, दिल्ली अहमदाबाद, दिल्ली अहमदाबाद, ऐसा नहीं आप बोलोगे जी सर, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत अच्छे से, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द नंबर लाइन राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, इन फॉलोइंग पेयर में से कौन सा जो है इज टू द राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन, ठीक है, इनमें ऐसा कौन सा पेयर है जो एक दो नंबर गिवन है इसमें, जो एक नंबर लाइन के इस तरफ है और दूसरा इस तरफ है, ठीक है, आप बोलोगे जी सर, इसमें तो सारे आपके ऐसे हैं, देखो सारे नहीं, जैसे कि ये है आपके 2 और 9 का आएगा, आप बोलोगे सर यहाँ 0 हो जाएगा आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, कौन सा पेयर, विच विच नंबर, कौन सा नंबर इज टू द राइट ऑफ द नंबर लाइन में, कौन सा नंबर इनमें से आपका, ये बताना है कि नंबर लाइन पे कौन सा आपका एक नंबर से दूसरे से राइट में है, तो इनमें देखा जाए तो देखो आपका 2 इधर आ रहा है, देखो 2 के राइट में आपका क्या है 9, अगर लेफ्ट में पूछता तो हम क्या लिखते 2 लिखते, क्योंकि 9 के लेफ्ट में आपका 2 है, लेकिन फिर राइट में पूछा है तो राइट में कौन सा नंबर आ जाएगा, आप बोलो सर 9 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आप बोलो सर 9, देखो अब डायरेक्ट यहां से देख के बता सकते हो, नंबर लाइन बनाने की जरूरत ही नहीं है, जो बड़ा नंबर होता है वो आपका राइट में होता है, जो छोटा नंबर होता है वो आपका लेफ्ट में होता है, इसमें करेंगे इसमें बड़ा नंबर कौन सा है, बहुत से बच्चे यहीं गड़बड़ कर देंगे, गलती कर देंगे, बहुत से क्या करेंगे, आप बोलो सर 8 बड़ा है, मैंने माना कि 3 से 8 बड़ा है, लेकिन अगर माइनस लगा देंगे आपका 3 बड़ा हो जाएगा, कैसे हो जाएगा बड़ा, आप बोलोगे जी सर अगर आप इधर बढ़ते हैं तो ये माइनस का 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4, देखो माइनस 3 यहीं आ गया, माइनस 8 आपका इधर चल के आ जाएगा, माइनस 8 आपका इधर चल के आएगा, इसका मतलब है कि जो लेफ्ट में चीज होगी वो छोटी होगी, राइट में आपकी चीज बड़ी होंगी, मतलब 8 आएगा लेफ्ट में तो 8 छोटा होगा आपका, ठीक है, तो राइट में कौन सी चीज है, आप बोलो सर राइट में आपका माइनस का 3 आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, आप बोलो सर माइनस का 3, आपको इसकी जरूरत ही नहीं है, इसकी जरूरत ही नहीं है आपको, आप डायरेक्ट देख के बताओगे, अब देखो आप बोलो सर 0 बड़ा होता है माइनस 1, आप बोलो सर माइनस की वैल्यू ऑलवेज 0 से छोटी होती है, तो कौन सा बड़ा हो जाएगा, आप बोलो सर 0, कौन सा बड़ा हो जाएगा, आप बोलो सर 0, कौन सा होता है 0, इसमें आप बोलो सर माइनस के 11 बड़ा है 10, प्लस की वैल्यू बड़ी होती है तो 10 बड़ा है, माइनस 6 बड़ा है प्लस 6 प्लस 6, माइनस प्लस 1 बड़ा है माइनस का 100 प्लस 1, प्लस की वैल्यू आपकी बड़ी होती है, बस ये चीज बतानी थी, कौन सा आपका एक के राइट में है, तो ये वाला राइट में है, आगे सर मैं आप बोलोगे जी सर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर आपका राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर, राइट देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, राइट ऑल द इंटीजर, इनके बीच में जो पेयर्स के बीच में जो इंटीजर आएंगे उनको आपको लिखना है, और आपको किस ऑर्डर में लिखना है, आप बोलो सर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है जी, लिख देते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर, डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप लिख लेना, चलो यहाँ कर देता हूँ मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, अब बोलो से 0 और माइनस 7 के बीच में कौन कौन से आएंगे, ठीक है, काय क्या क्या माइनस का, देखो 0 0 से माइनस की तरफ चले, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4, अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने हैं आपको, ठीक है, गड़बड़ी यहाँ भी हो सकती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, तो पहले क्या जाएगा, पहले आप बोलो सर छोटा नंबर क्या है माइनस 7, माइनस 7 से बड़े नंबर की तरफ चलो, बीच के लिखने हैं आपको, बिटवीन का मतलब होता है बीच का, तो माइनस का 6 बोल सर, माइनस का 6 माइनस का 5 माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1, ये आपके नंबर्स हो जाएंगे जो कि आपके 0 और 7 के बीच में है, और आपको कैसे लिखने थे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, अब बोलो जी सर सेकंड वाले का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है,
इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या आप बोलोगे जी सर? -4 से +4, ठीक है। छोटा नंबर क्या? 4। 4 से -4 है, -4 से +4 की तरफ चलेंगे तो -3 पड़ेगा रास्ते में, -2 पड़ेगा, -1 पड़ेगा, 0 पड़ेगी, +1 +2 +3 आपके रास्ते में पड़ेंगे। आप बोलोगे जी सर वही तो आपको लिखने हैं, छोटे से बड़े की तरफ आपको जाना है। अब क्या -8 से -15, -8 बड़ा है -15 बड़ा है, अगर दोनों ही वैल्यू माइनस की है, ठीक है, जो वैल्यू छोटी होगी वो आपकी बड़ी होगी, जो वैल्यू बड़ी होगी वो छोटी होगी। जैसे क्या है, -8 छोटा है, दोनों ही माइनस के, तो -8 आपका बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आप बोलोगे जी सर इंक्रीजिंग ऑर्डर डाल लेना इसको, तो -15 से -8 की तरफ चलना है, तो -14 पड़ेगा बीच में, -13, -12 पड़ेगा, -11, -10, -9। बीच वाले पूछे आपसे, आपसे नहीं पूछा कि 8 और 15 को भी ले लो इसमें, ऐसा नहीं करना आपको, ऐसा में आप बोलोगे जी सर। अब ये जो है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है, ऐसा में आप बोलो इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख के ही आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर कितना होगा। आप बोलोगे जी सर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या आपका आप बोलो सर, राइट 4 नेगेटिव इंटीजर ग्रेटर देन -20, जो -20 से क्या है बड़े हैं, लिख सकते हैं। आप बोलोगे जी सर -20, देखो -20 आपका यहाँ पड़ेगा, आपकी 0 आ जाएगी, इधर +20 आ जाएगी। -20 से बड़े नंबर लेने तो वो आपके राइट साइड में होंगे, तो क्या होंगे आप बोलो सर, -19, -18, -17, -16, ये नंबर होंगे आपके, बड़े ही तो लेने हैं आपको, नेगेटिव भी चाहिए आपको, तो कौन कौन से हो जाएंगे? आप बोलो सर -19, -18, -17, -16, 4 नंबर पूछे आपसे, 4 आपने निकाल दिया। हम बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत अच्छे से, कोई प्रॉब्लम हमको यहाँ पे नहीं हुई है, ऐसा में आप बोलोगे जी सर। क्या राइट 4 इंटीजर लेस देन -10, -10 से कम आपको छोटे बताने, मतलब छोटे, लेस देन का मतलब क्या होता है छोटे, -10। अब देखो छोटे कौन से, -10 आपका यहाँ पड़ेगा, अब बोलोगे जी सर ये पड़ गया आपको -10, यहाँ 0 हो गई, तो छोटे नंबर तो इधर होते हैं लेफ्ट साइड में, तो इधर क्या आएगा -11, -12, -13, आपको यही लिखने थे, ठीक है। आपको कितना लिखना है? बोलोगे सर 4, तो -11, -12, -13, -14, और भी है आपके -15, -16, -17, -18, -19, -20, जो भी आपको बेटर लगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है आपका? आप बोलोगे जी सर फोर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स बताना है आपको, -8 इज टू द राइट ऑफ द -10। देखो देखो राइट में कौन सा होगा, जो नंबर बड़ा होगा वो राइट में होगा, जो नंबर छोटा होगा लेफ्ट में होगा, नंबर लाइन बनाने की ही जरूरत नहीं है आपको। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, -8 बड़ा है, -10 बड़ा है, आप बोलो सर -8। अब पढ़ो क्वेश्चन, -8 इज टू द राइट ऑफ द -10, -8 -10 के राइट में होता है, आप बोलोगे जी सर बड़ा नंबर है तो राइट में होगा, ट्रू हो जाएगा, खत्म। -100 इज टू द राइट ऑफ -15, अभी मुझे बताओ -50 कौन सा नंबर बड़ा है इसमें से? आप बोलोगे सर छोटा वाला, दोनों माइनस के हैं, इसने बोला है कि वो वाला नंबर राइट में होगा, छोटा वाला नंबर राइट में हो सकता है? नहीं हो सकता, फॉल्स। क्या स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1, सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर कौन सा होता है? -1 होता है सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर, अरे -1 से तो स्टार्ट होती है, सबसे बड़ा पूछता तो नेगेटिव इंटीजर -1 हो जाता, लेकिन इन्होंने पूछा छोटा, तो छोटे में तो आपको -∞ आ जाता है आपका। आप बोलोगे जी सर तो फॉल्स हो जाएगा आपका, -26 इज ग्रेटर देन -25, ठीक है, -26 जो है वो -25 से बड़ा है। मैंने क्या बोला है, अगर दोनों नंबर्स माइनस के हैं, जो छोटा होगा वो बड़ा होगा, बड़ा होगा वो छोटा होगा, इसने इसको बड़ा बताया है यहाँ पे, तो बड़ा तो 25 है, तो फॉल्स हो जाएगा आपका, खत्म कहानी यहाँ पे ही, ऐसा में आप बोलोगे जी सर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ड्रॉ ए नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग, नंबर लाइन बनाने और आपको इनका आंसर देने हैं, ठीक है।
ठीक है, विच नंबर विल बी रीच इफ वी मूव फोर नंबर टू द राइट, यदि माइनस टू से अगर फोर नंबर आप राइट पे जाओगे तो कहाँ पहुंच जाओगे, फिर नंबर लाइन बनाते हैं, आप बोलोगे जी सर ये जीरो हो गया, माइनस वन हो गया, माइनस टू, आपको राइट में जाना है तो राइट के नंबर लीजिए, माइनस टू से फोर राइट में जाना है तो माइनस टू यहाँ, तो वन टू थ्री फोर कहाँ जाओगे, आप बोलोगे सर टू पे आ जाएंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर टू आ जाएगा, खत्म कहानी। विच नंबर विल बी वी रीच इफ वी मूव फाइव नंबर टू द लेफ्ट वन, वन है आपका नंबर लाइन बनाएंगे, अब बोलोगे जी सर ये वन हो, ये आपका वन हो गया, ये इधर जीरो हो गई, राइट साइड में आपको वन ही तो लेना है क्योंकि जाना था आपको लेफ्ट में, तो सारी चीज लेफ्ट की लीजिए, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव इसका सिक्स, आई समझ में, आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। ठीक है, फाइव नंबर से आपको कहाँ मूव करना है, लेफ्ट साइड में मूव करना है, वन से लेकर वन ये रहा आपका, वन टू थ्री फोर फाइव कहाँ जाओगे, आप बोलोगे सर माइनस फोर पे, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, आप बोलोगे सर माइनस फोर आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम, आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, होगी भी नहीं जब तक आप है। If we are at minus eight on number line, यदि आप number line पे minus eight पर हो, in which direction should we move to reach minus 13 पर number line में, देखो दोनों minus के ही है, ठीक है हम minus focus करेंगे, zero से start होता है, हमने मान लिया कि minus eight आपके यहाँ आएगा, minus nine minus ten minus 13 minus का 11 minus का 12 और minus का 13 13 जाना था। अब ये बोला है कि माइनस एट से आप किधर चलोगे, जो आप इधर आ जाओगे 13 पर, आप बोलो सर हम तो लेफ्ट में चलेंगे, तो कहाँ चलेंगे, आप बोलो सर लेफ्ट में, अब देख के बता सकते हैं माइनस एट बड़ा है और माइनस 13 आपका छोटा है, छोटे की तरफ जाएंगे तो आपको लेफ्ट में जाना होगा, बड़े की तरफ जाएंगे तो राइट में जाना होगा। इफ वी आर एट माइनस सिक्स, यदि हम माइनस सिक्स पर हैं ऑन द नंबर लाइन, इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच माइनस वन, देखो माइनस सिक्स बड़ा है माइनस वन बड़ा, आप बोलो सर माइनस वन बड़ा है, और आपको माइनस सिक्स से माइनस वन पे जाना है, इसमें तो आपको राइट साइड राइट डायरेक्शन में जाना होगा, कहाँ पे, आप बोलो सर राइट डायरेक्शन राइट साइड में आपको जाना होगा, आगे समझ में, आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन बहुत शानदार बहुत अच्छे से समझ में आ गया है हमको। ठीक है, और ये एक्सरसाइज आपकी यहीं पे ख़त्म होती है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत शानदार लगी होगी, बहुत बेहतरीन लगी होगी। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, और वीडियो पर अपनी एक प्यारी सी कमेंट जरूर छोड़ जाया करो कि सर हमको वीडियो ऐसी लगे अच्छी लगी है, ताकि हमारे लिए एक मोटिवेशन सा बनता रहे। ठीक है, कि किस बच्चे को कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया, तो हो सकता है उसकी हम दोबारा से वीडियो बना के डाल दें, कुछ कन्फ्यूजन रह जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं हमेशा 100% आता है, कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हो जाता है आपके समझ में, हम आपको अच्छे से नहीं समझा पा रहे, आप बताए सर ये टॉपिक दोबारा से क्लियर करा दें, उसके लिए हमने आपके लिए डाउट ग्रुप बनाया, मैं बार बार बता चुका हूँ, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लास सिक्स से लेकर ट्वेल्थ तक कुछ भी डाउट है यूपी बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में, तो आपको सारा डाउट क्लियर कराए जाएंगे। ठीक है, और वीडियो में अपनी कमेंट जरूर छोड़ा करो, अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बने रहिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए, धन्यवाद।